Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for this, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो सिलेबस लॉन्च किया था जिसमें BMT बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम लोग वन बाय वन करके सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें सबसे पहले हम लोग मीनिंग को समझेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस चीज के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर आप पीछे वाला वीडियो पार्टनरशिप वाला क्लास 12 अगर आप नहीं देखे हैं जो वन डे अगो मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया हूँ, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको प्रश्निकल हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और कमेंट के साथ साथ एक लाइक भी कर दीजिए गाइस। तो गाइस बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है गाइस क्योंकि त्योहार है, तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस हम लोग को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है 2022 नवंबर दिसंबर में, ये चैप्टर से फिर से क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आएगा गाइस, तो इसको पहले मीनिंग को हम लोग समझते हैं। तो प्रोग्रेशन को जानने से पहले यहां पे एक चीज हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस को थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस का मतलब तो गाइस कि कोई भी एक नंबर जो दिया हुआ है, जो भी संख्याएं जो दी हुई है, एक निश्चित रूप से या तो बढ़ रही है या तो घटेगी, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, देखिए ये इनका जो गैप जो है, एक निश्चित आपका जो गैप देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। अब इसके बाद एक चीज और आपको जानना जरूरी है जिसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज है ना, इसका हिंदी होता है अनुक्रम, इसका हिंदी होता है श्रेणी। सीरीज क्या होता है पहले समझते हैं। जो यहाँ पे सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस में आप या तो प्लस का साइन यूज कर दिए या तो माइनस का साइन, इफ यू यूज आइदर प्लस और माइनस इज कॉल्ड सीरीज, उसको सीरीज बोलेंगे। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है, 10 लिख दिए, 15 लिख दिए, 20 लिख दिए, 25 लिख दिए, ये आपका सीरीज बन गया। अगर आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं -20, -10, -5, तो इसे बोलेंगे सीरीज। मतलब सीक्वेंस में अगर आप यूज कर दिए प्लस या माइनस का साइन, तो ये बन जाता है सीरीज। ये तो दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रेशन को हम लोग कह सकते हैं कि वह सीक्वेंस या वह सीरीज, मतलब प्रोग्रेशन इक्वल टू सीक्वेंस या सीरीज, दोनों को, या तो सीरीज हो सकता है या तो सीक्वेंस भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्लियरली हम लोग को समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, आप लोग से यहां से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, वह सीक्वेंस या वह सीरीज जिसमें संख्याएं या तो निश्चित रूप से बढ़ेगी या तो घटेगी, उसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए गाइस क्या बोले, वैसा सीरीज या वैसा सीक्वेंस जो एक निश्चित रूप से बढ़ेगी या तो घटेगी, उसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लेते हैं 80, 75, है ना, 70, 65, 60, इसमें देखिए एक घट रही है, एक निश्चित रूप से घट रही है ना, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं 100, 90, 80, 70, 60, तो इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। मेरी ख्याल से आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको तीन चीज आपको समझ में आया होगा,
कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, नॉट ओनली फॉर योर दैट नो बट डिसंबर एग्जाम, इट इज क्रूशियल फॉर दैट इज फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं वहां भी ये चैप्टर बहुत ही क्रूशियल होता है, जो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिस चैप्टर कम्स। सो प्लीज यू हैव टू रीड केयरफुली एंड प्लीज यू हैव टू कीप अ कॉपी एंड यू हैव टू मेक नोट्स, दैट इज इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर दैट एग्जाम। ओके नाउ गाइस, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोग को, अब यहाँ पे पहचाना है बेसिक भी, ठीक है बेसिक ही बता रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहला जो पहला जो है, जो पहला में रहता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको सिंबल से दर्शाते हैं A1, A1 इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म हो गया। गाइस जो सेकेंड में है इसको बोलते हैं A2, ठीक है जिसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इसी तरह थर्ड में रहेगा उसको थर्ड टर्म A3 बोलेंगे, फोर में रहेगा उसको A4 बोलेंगे, फाइव में रहेगा उसको फिफ्थ टर्म A5 बोलेंगे, A6 रहेगा A6 बोलेंगे। गाइस मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे क्रूशियल जो इम्पोर्टेंट होता है वह होता है गाइस कॉमन डिफरेंस समझने का, कि कॉमन डिफरेंस होता क्या। ठीक है कॉमन डिफरेंस सारांतर किसको बोलते हैं गाइस, तो देखिए कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं डी। अब डी कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट गाइस। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक सीधा आपको मैं शॉर्टकट तरीका, क्या आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आप दिए गए सीक्वेंस को या सीरीज को कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी लीजिए, ठीक उसके आपके पहले वाले को आपको हटा देना है। ठीक है ठीक उसके पहले वाले को हटा देना है। जैसे मेरा मर्जी किया कि A2 लेते हैं, तो A2 पहले क्या A1, तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 में से A1 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना गया 5, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। गॉट इट। मेरा मर्जी किया कि फिफ्थ टर्म लेते हैं, ठीक है फिफ्थ टर्म के पहले क्या है ये है, तो यहाँ पे आप D इक्वल टू बोल सकते हैं A5 माइनस A4 इक्वल टू 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। तो गाइस ये था आपका कॉमन डिफरेंस। तो गाइस मैंने पूरा प्रोसेस किया, सबसे पहले आपको सीक्वेंस का रिलेशन बताने का, उसके बाद सीरीज बताया, उसके बाद प्रोग्रेशन बताया, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, और लास्ट में मैंने कॉमन डिफरेंस बताया। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस। इसी तरह आप लोग को जितना आपको क्लास 12 का सिलेबस दिया हुआ है मैं आप लोग को एक एक करके फिनिश कर दूंगा। और गाइस सिर्फ नॉट ओनली फॉर क्लास 10, आपको क्लास 10 में भी कॉमर्स का जो पार्ट है उसको भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर दोस्तों को पता नहीं तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस तरह से आप लोग को फ्रूटफुल कॉन्टेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस। और आपको किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को लिखिएगा गाइस। ठीक है गाइस कल चलते हैं, कल एक नया टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अपना समय करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।